न्यूड फोटो जान तक ले लेती है, कैसे ये कहानी के माध्यम से समझते हैं। वैशाली ठक्कर की कहानी। हाल ही में वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली है, ये खबर आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो मैं पूरी खबर, क्योंकि आखिर वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या और इसके पीछे वजह थी न्यूड फोटो, कैसे न्यूड फोटो वजह बनी। और आज भी लाखों लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को न्यूड फोटो भेज देती हैं, या जब वो इंटीमेट होते हैं, संभोग करते हैं, तो कुछ फोटो खींच लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं। तो ऐसी गलती जान दे कर चुकानी पड़ती है। ऐसा ही वैशाली ठक्कर के साथ हुआ। तो मैं हूं राजेंद्र जोधपुरी, आप मनोवैज्ञानिक काउंसलर, और आपकी तमाम मानसिक समस्याओं का हल काउंसलिंग और थेरेपी के द्वारा समय समय पर बताता रहता हूं। कई बार बॉयफ्रेंड न्यूड फोटो मांगता है, कहता है कि मुझे न्यूड फोटो दो, या जब आप अपने बॉयफ्रेंड से या अपने किसी प्रेमी से मिलते हो तो उस समय कुछ तस्वीरें शूट कर लेते हो या वीडियो बना लेते हो, या जब अंतरंग होते हो या सेक्स करते हैं उस समय फोटो खींच ली जाती हैं या वीडियो बना लिया जाता है। तो उस समय तो कई बार कोई विशेष नुकसान लगता नहीं है, लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि उसके बाद लड़का अगर डिसऑर्डर का शिकार निकला, मानसिक रोगी निकला, जिसे हम कह सकते हैं, उस मानसिक रोग का नाम है इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। ऐसा इंसान जो इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का शिकार होगा वो बाद में ब्लैकमेल करेगा, और ज्यादातर लड़कियां बाद में ब्लैकमेल होती हैं। उनका बॉयफ्रेंड उन्हें कहता है कि मुझे मिलो, मेरे साथ ये करो, मुझे पैसे दो। लड़कियां मिलती रहती हैं, अपना शारीरिक शोषण करवाती रहती हैं, पैसे भी खूब लुटवा देती हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। वैशाली ठक्कर का केस तो सामने आ गया, लेकिन लाखों लड़कियों का केस सामने आ ही नहीं पाता है, जिंदगी भर घुटती रहती हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। वैशाली ठक्कर ने गलती की और उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। वैशाली ठक्कर का बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, जिसने उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें ले ली और उसी आधार पर वो ब्लैकमेल करने लगा, और वो मानसिक रूप से इतनी हर्ट हो गई, इतनी प्रताड़ित हो गई कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बातें उसने सुसाइड नोट में लिखी हैं। वैशाली ठक्कर का आप सुसाइड नोट भी पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या क्या लिखा है ये तो जब आप पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। तो एक गलती जिसने वैशाली ठक्कर की जान ले ली, तो आप भी जिंदगी में ऐसी गलती ना करें। जब भी आपका बॉयफ्रेंड, प्रेमी आपकी न्यूड फोटो खींचे या मांगे या वीडियो बनाने की कोशिश करे या बना लें, तो उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म करें या माता पिता को बताएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरी जिंदगी, जीवन भर वो ब्लैकमेल करेगा, कहेगा कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर फोटो डाल दूंगा, जिससे जीवन बर्बाद हो जाएगा। इन्हीं धमकियों के कारण लड़कियां शोषण करवाती रहती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस को इन्फॉर्म करें, घर वालों को जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।